त्वरित समाचारों में आप देखते हैं अपराध जगत और हादसे से जुड़े समाचार, वे समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन समाचारों के बारे में जानना भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बंदूक लहराते चार आतंकी नजर आए, पाक समर्थित नारे लगा रहे थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ता 8 साल की मासूम बच्ची आसिफा की रेप के बाद हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के पुलिस मुख्यालय में एक रेप पीड़िता और उसके परिवार ने इंसाफ के लिए जमकर हंगामा काटा। रेप पीड़िता के मुताबिक उसने दिल्ली के वसंत कुंज थाने में 22 जनवरी को रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर तेज रफ्तार कार से कार चला रहे 17 साल के नाबालिग लड़के ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार नाबालिग लड़के के साथ उसके दो दोस्तों को भी मामूली चोट आई है। पुलिस के मुताबिक कार आरोपी नाबालिग लड़के के चाचा की है। यूपी की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक सरकारी बस ने एक कार को टक्कर मारते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने बस चालक की पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में होली के दिन 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में पीड़ित बच्ची के परिजन अस्पताल पर लगा रहे हैं बच्ची के इलाज में आनाकानी का आरोप। रेप के शिकार मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए बहुजन मुस्लिम सभा के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के बरेली में एक निजी कंपनी में बतौर सुरक्षा गार्ड तैनात 2 चचेरे भाइयों की बेरहमी से हत्या। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए दोनों भाइयों के चेहरे पर तेजाब डाला। मृतक भाइयों के परिवार वालों ने गांव के 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली के सुभाष नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम और पुलिस कर्मियों से व्यापारी के बेटे ने जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की की। पुलिस ने आरोपी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मेरठ में के श्याम नगर इलाके में एक ही परिवार के 7 लोगों को जहर देकर मारने की साजिश। परिवार के 2 लोगों की हालत गंभीर। पीड़ित परिवार ने घर आए कुछ रिश्तेदारों पर खीर में जहर मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यूपी में मथुरा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक बच्चे के सिर का ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टर ने सुई बच्चे के सिर में ही छोड़ दी। पीड़ित बच्चे के पिता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। यूपी के नोएडा की सेक्टर 39 में सर्विस लेन के किनारे गाड़ियों में पड़ा मिला भेल के डिप्टी मैनेजर अमित कुमार पांडे का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एमपी के राजगढ़ में दिल का दहलाने वाली सामने घटना सामने आई है। कल महिला दिवस के दिन ही एमपी के गोरधनपुरा में आशा कार्यकर्ता और उसके 2 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला। सिर पर चोट लगने से बच्चे की मौत हो गई। गंभीर रूप से महिला घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। यूपी के संस्कृत माध्यमिक परीक्षाओं में भी चल रहा है नकल का काला खेल। यूपी में देवरिया के विद्याधर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय में किताब और पर्चियों के सहारे नकल करते हुए परीक्षा दे रहे हैं छात्र। एसएससी परीक्षा भर्ती को लेकर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर यूपी के इलाहाबाद में छात्रों ने सीएम योगी के काफिले को बीच रास्ते में रोककर काले झंडे दिखाए। छात्रों के हंगामे के चलते सीएम का काफिला करीब 3 मिनट तक रुका रहा। पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाईफाई बंद करने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित महिला के सीने और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुरा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर 12वीं क्लास की छात्रा के घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।